सो गाइस वेलकम बैक। जा रहे हैं एक नई ट्रिप पे झलाना लेपर्ड रिजर्व, जो कि इंडिया का फर्स्ट लेपर्ड रिजर्व है। चलिए फटाफट झलाना की ओर निकलते हैं, क्योंकि सफारी का टाइम हो गया। इतना सारा सामान पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहा हूँ मैं, पानी की बोतल ये वो, तो चलिए बस फटाफट वहाँ के लिए निकलते हैं। तो उठाते हैं अपनी गाड़ी फटाफट और निकलते हैं। तो यहाँ का इंटरप्रिटेशन सेंटर है ये गाइस, चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लेपर्ड्स के बारे में पूरा लिखा हुआ है। क्या शानदार इमेजेस लगी हैं पीछे एक से बढ़कर एक। तो आज उम्मीद करते हैं गाइस हमें भी ऐसी कोई इमेज खींचने को मिलेगी, ऐसे ही कोई फोटो हमें भी मिलेगी और ऐसे ही एक वीडियो हमारा भी बनने वाला है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गो इनसाइड द झलाना लेपर्ड रिजर्व। ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। ये मैं आ गया हूँ झलाना लेपर्ड रिजर्व, जो कि इंडिया का फर्स्ट लेपर्ड रिजर्व है गाइस। ये हमारे आज के गाइड एंड ड्राइवर, क्योंकि झलाना में ड्राइवर और गाइड एक ही बंदा होता है। तो भैया है परवेश भैया। तो भैया यहाँ आपकी साइटिंग अभी कैसी चल रही है? सर इस टाइम पे साइटिंग बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, इस टाइम पे ज्यादा चांस वाटर बॉडी के आसपास मिलने के चांस मिलते हैं। ओके, तो और इवनिंग जैसे जैसे थोड़ी डलती है उस टाइम साइटिंग ज्यादा बढ़ती है। मोमेंट थोड़ा शाम को ही होता है, 6:15 बजे समथिंग होता है मोमेंट लेपर्ड का। उस टाइम पे वाटर बॉडी पे मिलने की ज्यादा चांस होते हैं। मजा आने वाला है गाइस, बने रहना इस चैनल पे। फटाफट अंदर चलते हैं एंड उसके बाद साइटिंग्स करते हैं। झलाना लेपर्ड रिजर्व 23 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये पार्क करीब 35 लेपर्ड्स का घर है। यहाँ एक वर्ल्ड फेमस लेपर्ड राणा है, जो कि एक काफ़ी बड़ा मेल लेपर्ड है, जिसको हम आगे ब्लॉग में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ 10 लेपर्ड है, देखिए एक्चुअली 10-12 लेपर्ड है और बाकी लेपर्ड सब अंदर रहते हैं। जो लेपर्ड सर्दियों में नहीं दिखते, वो इन दिनों में वाटर बॉडी के पास मिल जाते हैं। सर सामने बरगद का पेड़ है, राइट में रिप्लांटेड किया गया है सर, 200 साल पुराना पेड़ है। इस पार्क की इकोलॉजी एंड लेपर्ड्स के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ काफ़ी सारे ट्रीज को रीप्लांट किया है, जैसे कि बरगद, पीपल एट्सेट्रा। इन पेड़ों पर बैठना लेपर्ड को काफ़ी पसंद होता है और इससे उम्मीद है आने वाले टाइम में यहाँ इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। दोस्तों ये है सांबर डियर। सामर डियर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के 11 कंट्रीज़ में पाया जाता है। यह IUCN की रेड लिस्ट में एक वल्नरेबल स्पीसी है। अरावली की फुटहिल्स में बना झलाना लेपर्ड रिजर्व एक ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट है एंड यहां आपको ज़्यादातर अकेशिया एंड खेजरी के पेड़ देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह अरावली में बसा हुआ है तो यहां आपको काफ़ी कच्चे और उबड़ खाबड़ रास्ते देखने को मिलेंगे, पर यही रास्ते इस पार्क को एक अलग खूबसूरती प्रदान करते हैं। ओके, सो गाइस जब हम जंगल में घूम रहे होते हैं तो हमको ये जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसकी टेरिटरी में घूम रहे हैं। कई बार हो सकता है कि वो किसी लेपर्ड की टेरिटरी हो ही ना, या फिर कई बार हो सकता है कि वहाँ पे कोई मेल या फीमेल लेपर्ड हो, तो आई थिंक उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जहाँ पे अभी हम हैं इसके बारे में परवेश भाई से पूछते हैं। लेपर्ड है यहाँ पर मिसिज खान, उसके दो कब्ज है जो इधर कहीं पर टेरिटरी वॉस्टार पे दिखाते हैं, वाटर बॉडी पे आसपास मिल जाते हैं। दोनों के नाम है, एक फीमेल का था है शक्ति और मेल का है सर सांगा, जो बहुत कम दिखाई देते हैं कब्जे, और उसकी माँ दिखाई देती है अच्छी। दोस्तों ऐसे ही बातें करते हुए जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें कुछ जिप्सियाँ एक जगह खड़ी होती हुई दिखी, तो हम भी फटाफट उस जगह पे पहुँच गए और हमें वहाँ राणा मिलता है। सो गाइज इधर पे एक लेपर्ड है, सो यहाँ पे लेटा पड़ा है। ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन, अगर आप मेरी ये फिंगर के ऊपर जल देखेंगे ये लेटा पड़ा है। ओके,
ओके सो गाइस, पार्क में घुसते के साथ ही राणा द फेमस लेपर्ड ऑफ जलाना लेपर्ड रिजर्व इज हियर। शानदार साइटिंग है, थोड़ा सा दूर है, झाड़ियां हैं बीच में, इसीलिए इतना क्लियरली विजिबल नहीं, बट वी आर वेटिंग कि यहाँ से निकल के आया। सामने वाटर होल है, तो यहाँ पे अगर पानी पीने आता है तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये वाटर होल, अगर यहाँ पे पानी पीने आता है तो हम इसको ज़रूर अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। तो उम्मीद तो यही है, लेट्स सी देखते हैं क्या मिलता है अपने को। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेपर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी बहुत सारे लेपर्ड है जिनका नाम बगीरा है। यहाँ पे मेल में करण है, देन फ्लोरा है, जलेबी है, चंदा है, इस टाइप के यहाँ पे नाम है। एंड बहुत शानदार साइटिंग होती है। उठा 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 चल पड़ा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लेपर्ड्स एक बार में कितना पानी पी लेते हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में लिख के इसका आंसर दीजिएगा। मैं सही आंसर को एक हार्ट और एक लाइक दूंगा। वैसे आपको हिंट के लिए बता दूं, ये लेपर्ड करीबन 3 मिनट तक मेरे सामने लगातार पानी पी रहा था। मुझे व्लॉग को छोटा रखने के लिए इस क्लिप को छोटा करना पड़ा है। ये दबा दो ना, राइट में, राइट में दबाओ। लो लो लो, पीछे लो। गाइस, राणा जो है वहाँ से उठ के नीचे की ओर चल पड़ा है, तो अब हम उसको ट्रैक करने के लिए नीचे की ओर भाग रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या मिलता है नीचे। वो मैदान में निकला है शायद। हाँ, इसी रूट पे घुसेड़ लो अंदर, अगर ये चालू है तो। राइट में दबा दो, इसमें दबा दो ना। कहाँ बैठा? हाँ वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, आ रहा है, आ रहा खाली में रुको बस। देखो भाई, सामने ये लेपर्ड घूम रहा है। सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेल लेपर्ड हेयर। इसका नाम राणा है, राणा। राणा को ऐसे ग्रासलैंड में देख के मैं बहुत एक्साइटेड था। लेपर्ड्स को यूँ खुले में ग्रासलैंड में देखना कोई आम बात नहीं है। आमतौर पर लेपर्ड्स छुप के चलते हैं। ये आप मेरे राजा जी के सफारी में हुए लेपर्ड साइटिंग में जाके देख सकते हैं दोस्तों।
पर यहाँ तो राणा का मिजाज कुछ और ही था। मुझे ये लेपर्ड कम टाइगर ज़्यादा लग रहा था। ज़रा इसका एटीट्यूड देखिए, इसकी चाल देखिए, बिल्कुल एक टाइगर की तरह बेखौफ घूम रहा था ये। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ लेपर्ड बहुत तेज सांस लेता हुआ दिखेगा, पर दोस्तों ये एक आम बात है क्योंकि लेपर्ड्स, चीता और लायन की सांसें टाइगर से थोड़ी ज़्यादा तेज चलती हैं। टाइगर पानी में बैठ के अपने बॉडी टेम्परेचर को कूल कर लेता है, बट लेपर्ड्स पानी में नहीं बैठते, तो ये तेज़ तेज सांस लेके अपनी बॉडी से गर्मी को बाहर निकालते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा रखते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे एलिफेंट्स अपने बड़े बड़े कान पंखे की तरह हवा में लहराता है और अपने ब्लड के टेम्परेचर को ठंडा रखता है। सो गाइस, पीछे झाड़ियों में लेपर्ड है, अभी वो चल के आके यहाँ पे आके बैठ गया। सो इंडियन लेपर्ड्स की, जैसे मैं अपने हर सफारी में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ, आज अगर मैं बताता हूँ तो इंडियन लेपर्ड्स अगेन पैंथरा पार्डस फ्यूज का, इनका जो मैक्सिमम वेट है दे इट गोज समवेयर अराउंड 60-70 के जीज़। मेल्स की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स 40-55 के जी के बीच में वेरी करती हैं। पास में मैंने और भी हमारे जितने भी टाइप के लेपर्ड्स हैं इनके बारे में अपने वीडियो में बताया, अगर आपको देखना है तो आप वो पुराने वीडियोस रिफ़र कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जैसा कि कई बार लोग बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं बिटवीन लेपर्ड्स एंड जगुआर्स, आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस। मैं आपको अभी यहीं पर बता देना चाहता हूँ कि इनके रोजेट्स जो होते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया है, अगर आप लेपर्ड्स को देखेंगे इनके रोजेट्स के बीच में आपको क्लीन होता है, उसके अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहीं अगर आप जगुआर्स की बात करते हैं तो वो स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। अगर आप इनके हेड को देखेंगे तो हेड ऑफ अ लेपर्ड इज़ क्वाइट लीन, थोड़ा सा लीन दिखेगा, मोर एरोडायनामिक दिखेगा। यहीं अगर मैं ऑपोजिट में जगुआर्स की बात करता हूँ तो देयर हेड इज़ लाइक वेरी वेरी ब्रॉड। सो एक मैजेस्टिक एनिमल, आई वुड कॉल देम एज घोस्ट ऑफ द जंगल बिकॉज इनको देखना इज़ वेरी वेरी रेयर, सिंस जलाना इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड सिक्लूडेड प्लेस जहाँ पे और कोई बड़ा प्रेडिटर नहीं है इन कंपैरिजन टू लेपर्ड्स, टाइगर वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। जलाना में टाइगर 1950 के पहले होते थे, अभी यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है, तो इसकी वजह से जितने भी लेपर्ड हैं यहाँ पे काफ़ी फ्रीली रोम करते हैं, काफ़ी फ्रीली घूमते हैं एंड दे डोंट हैव एनी जिसको कहते हैं थ्रेट ऑफ बीइंग हंटेड। सो दे आर द एपेक्स प्रेडिटर्स ऑफ दिस जंगल। जलाना की अगर मैं बात करूँ पहले भैया 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 मत हिलाओ भैया, यहीं आएगा वो, छोड़ दो आप उसको, वाइब्रेशंस की वजह से ना वो ख़राब होगा, बंद कर दो। हाँ बस बैठ गया, अंदर बैठ गया। ओके गाइस, सो आई हैव मिस्टर गोपाल एंड मिस्टर मधुकर विथ मी। सो दोनों सर जो हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, एज ए हॉबी दे आर परस्यूइंग इट। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर का एक्सपीरियंस क्या है। गोपाल सर आप बताइए, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस फॉर जलाना? जलाना पे स्पेशल एकदम छोटा रिजर्व है ना, हाँ हाँ, पेशेंस से वेट करना पड़ता है और ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, लेकिन लेपर्ड तो घूमते रहते हैं इधर ज़्यादा लेपर्ड दिखते हैं, बाकी कम दिखता है। बाकी कम दिखता है। ओके बाकी फॉरेस्ट में
टाइगर है ना, इसलिए टाइगर को वो टाइगर का एफ्रेड है, इसलिए लेपर्ड कम ही मिलता है। सो वुड यू रिकमेंड अवर सब्सक्राइबर्स टू कम हियर झलाना, स्पेशली इफ दे वांट टू टारगेट ओनली लेपर्ड्स, दिस इज द प्लेस टू कम। राइट, सो लेट मी आस्क मिस्टर मधुकर एज वेल, सर आपका क्या एक्सपीरियंस है झलाना का? झलाना इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली एंड इट इज़ लाइक यूनिक टू लेपर्ड बेसिकली। आप बाकी जगह जाओगे, आप रणथंभौर जाओगे, यू सी टाइगर्स, राइट, बट लेपर्ड्स आर लाइक दे आर कॉल्ड द गोस्ट्स ऑफ द जंगल। मतलब यू कैन सी लेपर्ड्स ओनली इफ इट वॉन्ट्स टू बी सीन। ऑफ कोर्स, वेरी राइटली सेड। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड पीपल टू कम हियर एंड यू नो सी द लेपर्ड्स, यू कैन से द वाइल्ड एंड सो ये राणा जो लेपर्ड है यहाँ का, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता है एंड ही इज़ लाइक किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर जंगल। जहाँ तक भी रहता है अपना किंग अपनी टेरिटरी के हिसाब से रहता है। सो यूजुअली लेपर्ड मेक्स अ टेरिटरी ऑफ लाइक 8 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास में अपनी एक टेरिटरी बनाते हैं एंड एक मेल लेपर्ड की टेरिटरी में 2 फीमेल के आसपास हो सकती है जिनको वो कवर करता है एंड दे आर ऑल्सो सॉलिटरी एनिमल्स, दे डोंट लिव इन फैमिलीज लाइक लायंस, प्राइड में नहीं रहते हैं, राइट सर? राइट सर। सो गाइज, वाइल वी वर टॉकिंग एक नए लेपर्ड के बारे में पता चला है, तो हम वहाँ भाग रहे हैं। देखो कैसे जिप्सियाँ लगी हुई है। इस नई जगह पे पहुँच के मुझे यहाँ पे एक फीमेल और उसका 3 से 4 महीने का कब दिखता है। ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। यकीन मानिए ये दोनों आधा घंटा लगभग एक ही जगह पे बैठे हुए थे और इनको इतनी देर तक देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था शायद मुझे इनको यहाँ से यहीं से बाय करके जाना पड़ेगा, पर किस्मत को कहते हैं ना कभी कभी कुछ और मंजूर होता है। और मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा था कि काश ये कहीं बाहर निकल जाए, और ऊपर वाले ने भी मेरी खूब सुनी। और आगे आप खुद ही देखिए कि क्या होता है। उठी 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 उठ रही उठ रही कोई ढूंढ रहा। हाँ निकली 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 उठ गई, देखने के लिए कुछ उठ रही है। नीचे देख रही है कुछ, निकली 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 निकल निकल गई, आ गई, आ रही आ रही है, आ रही है, निकल गई ना, नीचे आ रही है। लड़की इधर आ गई नीचे, छुपी हुई है कुछ है वहाँ पे, दिख गया उसको। अरे मोर दिखा, मोर मोर है, मोर नीचे आगे, ये देखो यहाँ पे मोर है, ये इसके चक्कर में आ रही है। थोड़ी सी आगे ले सर। नहीं 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 नहीं, अभी होल्ड करिए, होल्ड कर, ये बिल्कुल सही स्पॉट है ये। आजा पकड़ ले, वो पेड़ के बिल्कुल पीछे घुसी हुई है और बच्चा भी आ गया पीछे पीछे, बच्चा खेलना खराब कर दे बस। अरे आजा 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 आजा, थोड़ा आगे लेना पड़ेगा, देखा 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 देखा। दोस्तों जिसका डर था वही हुआ, कब को देख के पिकॉक उड़ गया और ये हमला एक नाकाम हमले में बदल गया। सो गाइस हमारी सफारी हो गई है खत्म, अब हम फटाफट बाहर की ओर भागने हैं बिकॉज एक्सिट टाइम भी हो चुका है। सो कैसा लगा आपको ये झलाना का ये सफारी एक्सपीरियंस गाइज? अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सबके आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। गाइज जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, इन्वायरमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। गाइज जय हिंद।